हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो है एक डीजे सेटअप के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इस सेटअप का पूरा डिटेल्स बताऊंगा, एम्पलीफायर कौन सा है, बॉक्स में स्पीकर्स कौन से हैं, साथ ही साथ इसका प्राइस डिटेल्स भी आपको बताऊंगा और इसका साउंड टेस्टिंग वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेटअप के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको इस सेटअप में चार टॉप और चार बेस देखने को मिल जाएंगे। इसमें कैबिनेट जो है टोटल पॉप के ब्रांड का है और पॉप के बारे में तो आप सभी जानते हैं, काफी अच्छा कैबिनेट है, रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिलता है इसमें। सबसे पहले बात करते हैं इस सेटअप के बारे में। तो दोस्तों ये सेटअप जो है हमारे बहुत ही अच्छे मित्र भाई डीजे करण का है और इनका नाम ये आप देख सकते हैं करण यादव है और इनका एड्रेस ये आप देख सकते हैं तनुघाट टाउन स्टेट झारखंड से है, रांची। ये इनका सेटअप है। तो दोस्तों इनका सेटअप काफी अच्छा है, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमें प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें टॉप का, तो टॉप इसमें चार पीस है जिसमें का दो टॉप में आपका ए प्लस का स्पीकर लगा हुआ है और दो टॉप में स्टूडियो मास्टर का स्पीकर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से चार टॉप है। और बात करें बेस का, तो बेस भी यहाँ पे हमें चार देखने को मिलते हैं जिसमें आपका एलडी 18 मॉडल वाला कैबिनेट है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है इस कैबिनेट में। इसमें का एक बेस जो है 1500 वाट का है, इस प्रकार से चार बेस हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं टॉप के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया दो टॉप में आपका ए प्लस का स्पीकर लगा हुआ है और दो टॉप में स्टूडियो मास्टर का। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सा स्पीकर इन्होंने यूज किया है। तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने स्टूडियो मास्टर के स्पीकर का यूज किया है जिसका मॉडल नंबर है SMB 1545 और यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं 450 वाट इसका RMS पावर है, काफी अच्छा स्पीकर है। 4 इंच का वॉइस कॉइल के साथ में आता है और 450 वाट में 4 इंच का वॉइस कॉइल काफी अच्छा यहाँ पे हमें पावरफुल स्पीकर मिल जाता है। तो इस स्पीकर का यूज किया इन्होंने दो टॉप में। बात करें ए प्लस के स्पीकर की, तो ए प्लस के स्पीकर में इन्होंने मॉडल नंबर ये आप देख सकते हैं टर्मिनेटर सीरीज का 600 वाट का स्पीकर का यूज किया गया है, ये आप देख सकते हैं। नॉमिनल पावर हैंडलिंग इसमें 600 वाट दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 600 वाट बोल रही है लेकिन आप इसे 450 वाट के आसपास ही मान के चलें क्योंकि 3 इंच का वॉइस कॉइल इसमें आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये वाला स्पीकर इसमें यूज किया गया है दो टॉप में और कंपनी के हिसाब से एक टॉप इनका 1200 वाट का हो जा रहा है लेकिन आप इसे 900 वाट के करीब मान के चलें क्योंकि एक स्पीकर इनका 450 वाट से लेकर के 500 वाट के बीच में काम करेगा क्योंकि 3 इंच का वॉइस कॉइल है, इसलिए तो आप इसे 900 वाट ही मान के चलें। तो इस प्रकार से इनका दो टॉप है और दो टॉप इनका स्टूडियो मास्टर से बना हुआ 900 वाट का है। तो इस प्रकार से इसका दो टॉप है, तो टोटल चार टॉप हो जाते हैं। बात करें बेस का, इसमें स्पीकर का यूज किया गया 1500 वाट का, मॉडल नंबर आप यहीं से देख सकते हैं। लेकिन चलिए बात करते हैं स्पीकर के बारे में। तो स्पीकर इनका है स्टूडियो मास्टर का TWF 1815 जो कि एक 1500 वाट का RMS पावर वाला स्पीकर है जो कि स्टूडियो मास्टर का काफी पावरफुल स्पीकर है 1500 वाट में। इसमें बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन बताया है भाई ने, मैंने उनसे बात करी है, उनका रिस्पांस काफी अच्छा लगा, काफी ज्यादा वाइब्रेशन उन्हें देखने को मिला इस स्पीकर में। तो डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, इम्पीडेंस 8 ओम्स और फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पे 30 मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है बेस के लिए। और यहाँ पे वॉइस कॉइल का डायमीटर आप देख सकते हैं 5 इंच का वॉइस कॉइल है इसमें इन आउट के साथ में, ये आप देख सकते हैं। मटेरियल इसमें कॉपर का यूज़ किया गया है, तो काफ़ी अच्छा स्पीकर है। वेट आप इसका देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, 20 kg इसका वेट है। तो इस वाले स्पीकर का यूज़ किया है भाई ने इस बेस में और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उनको। और दोस्तों बात कर रहे हैं एम्पलीफायर की, तो एम्पलीफायर ये आप देख सकते हैं उनके पास है MT1601 और यहाँ पे 4K का एम्पलीफायर है स्टेंजर का। तो इस प्रकार से दो एम्पलीफायर है और 4K का डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 2000 वाट पर्सनल 8 2 ओम्स और इसमें ये चार टॉप चलाते हैं दोस्तों, ए प्लस का एक टॉप और स्टूडियो मास्टर का एक टॉप एक जोन पे चलाते हैं, वैसा ही दूसरे जोन पे एक स्टूडियो मास्टर वाला स्पीकर वाला टॉप और दूसरा ए प्लस के स्पीकर से बना हुआ टॉप, इस प्रकार से ये दो टॉप करके इसमें चलाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें चार टॉप का यूज किया जाता है इस एम्पलीफायर में, काफी अच्छा रिस्पॉन्स इसमें भी उनको मिल जाता है। और बेस का एम्पलीफायर है MT1601, काफी पॉपुलर एम्पलीफायर है, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। और बात करें इसके टेक्निकल डिटेल्स की, तो ये आप देख सकते हैं 4 ओम्स पे देता है 2250 वाट। इस एम्पलीफायर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, डंपिंग फैक्टर 1000 है, काफी अच्छा पावरफुल एम्पलीफायर है। तो 1500 वाट के 4 स्पीकर इसके लिए परफेक्ट है, तो काफी अच्छा रिस्पांस इसमें भी उनको मिल जाता है। मैंने इनका पूरे सेटअप का डिटेल्स आपको बता दिया किसमें क्या चलाते हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, MT1601 में ये चार बेस चलाते हैं 1500 वाट के स्टूडियो मास्टर वाला स्पीकर और टॉप के लिए 4K का यूज करते हैं, दो टॉप में स्टूडियो मास्टर का स्पीकर लगा हुआ है और दो टॉप में ए प्लस का स्पीकर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से इनका ये सेटअप टोटल कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस का, तो बेस के कैबिनेट का केवल प्राइस बताना चाहूंगा, दो कैबिनेट उनको पड़ा था 15000 रुपए, 7500 से लेकर 8000 के करीब एक कैबिनेट पड़ा है। तो इस प्रकार से उनके पास चार कैबिनेट है और इसमें जो स्पीकर का यूज किया गया स्टूडियो मास्टर का है। और यही बात करें हम इसके प्राइस का, इसका प्राइस उनको पड़ा था 15000 रुपए और यहाँ पे स्टूडियो मास्टर का जो टॉप वाला स्पीकर है 450 वाट का, ये स्पीकर उनको पड़ा था 5200 रुपए
और ए प्लस का जो स्पीकर है जिसको बोलती है कंपनी 600 वाट, लेकिन आप इसे 450 वाट के आसपास ही मान के चलें। और इसका प्राइस जो है उनको 6200 रुपये पड़ा था, 6200 रुपये। और 4K का प्राइस तो आप सभी जानते हैं, मार्केट प्राइस बताना चाहूँगा 35,000 के करीब आपको ये 4K मिल जाएगा, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है मार्केट में। 16GB का प्राइस इनको पड़ा था 53,000 रुपये। और काफी अच्छा एम्पलीफायर है, बहुत ही सक्सेस एम्पलीफायर है इन एक्साडियो का। तो दोस्तों ये था इन सभी प्रोडक्ट का प्राइस, तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसका साउंड टेस्टिंग। तो दोस्तों साउंड टेस्टिंग से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इनमें से कोई सभी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट करना इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका प्राइस कितना पड़ा था, ताकि हमारे दूसरे भाइयों को भी पता चले। साथ ही साथ ये भी शेयर करना कि आप इसमें क्या चलाते हैं और इसका क्वालिटी आपको कैसा मिला। चलिए देख लेते हैं इसका पहले साउंड टेस्टिंग। हेडफोन का यूज करना ताकि आपको क्वालिटी अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये थे इसका साउंड टेस्टिंग। साउंड टेस्टिंग आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करना, साथ ही साथ ये भी बताना कि आप इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी आपको कैसा लगा, ताकि हमारे दूसरे भाइयों को भी पता चले। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जिसमें मैंने आपको इस सेटअप के बारे में प्राइस डिटेल्स बताया, कौन कौन से एम्पलीफायर और स्पीकर का यूज किया गया है उसके बारे में बताया, साथ ही साथ इसका आपको साउंड टेस्टिंग भी दिखाया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।